हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम कौमार व्रत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक आपको गायनी और ऑब्स और स्वस्थविद जैसे सब्जेक्ट्स में भी काम आ सकता है। इसके पहले हम थर्ड ईयर के बहुत से वीडियोस बना चुके हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और इंस्ट्रूमेंट्स पे भी वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें देखना जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं न्यूट्रिशन या पोषण। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, त्रय उपस्थम इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचरम इति सत। आचार्य चरक ने तीन उपस्थम का वर्णन किया है जो कि है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर। उसमें से भी उन्होंने आहार को सबसे प्रधानतम या इम्पोर्टेंट माना है। पोषण शब्द भी हम आहार से ले सकते हैं, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आहार का कर्म ही है पोषण करना, जिसका अर्थ होता है भोजन का पाचन, चय उपचय की जो क्रिया होती है उसको पूर्ण करना और शरीर निर्माण में सहायता करना, ऊर्जा प्रोवाइड करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना आदि। आहार का महत्व शरीर के पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षणार्थ आहार एक प्रमुख घटक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत सूत्र स्थान 40वां अध्याय 30वां श्लोक, प्राणी नाम पुनर मूलम आहार। आहार सभी प्राणियों के जीवन का मूल है। आहार से ही शरीर की समस्त धातुओं का पोषण होता है। यदि उचित पोषण प्राप्त न हो तो फक रोग, बालू शोष, पारिस गर्भिक क्रिस्ता एवं विभिन्न धातुओं के क्षय जनित रोग उत्पन्न होते। अधिक मात्रा में आहार सेवन से स्थूलता, प्रमेह आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हितकर आहार जिससे शरीर की वृद्धि और पुष्टि होती है उसे ही पोषण का आधार माना गया है। According to modern nourishment क्या है? तो nourishment और ailment in the provision to cells and organisms of materials necessary in the form of food to support life। हमारी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए या फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमें नरिशमेंट या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो कि फूड के फॉर्म में हमें मिलता है। एवरी एज ग्रुप में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, बट 5 साल की लाइफ, मतलब फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ यानी 5 साल की उम्र तक जो नरिशमेंट है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। When rapid growth occurs, the child is entirely depend on the mother and the food for nutrition. Starting में baby जो है वो mother पर और अपने food पर ही depend करता है for rapid growth. Global strategy for infant and young child feeding was issued jointly by WHO and UNICEF in year 2002. एक WHO UNICEF ने 2002 में young children और infant के लिए global strategy तैयार की कि उनको किस तरीके से nutrition हमें आचार्य चरक जी ने आहार के 12 वर्गीकरण किए हैं। शुक्धान, शमीधान, मान, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इच्छु, कृतान, आहार योनि। और सुश्रुत के अनुसार वर्ग देखे तो आहार में 2 वर्ग है, एक द्रव्य एक अन्न। द्रव्य की बात करें जल, क्षीर, दधि, तक्र, घृत, तेल, मधु, मूत्र, इच्छु, मध्य। अन्न की बात करें शुक्धान, कृतात, कृतधान्य, वैदल वर्ग, मांस, फल, शाक, पुष्प, कंद, लवण, क्षार, धातु, रत्न और कृतन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ वर्क करके बॉडी को नरिश करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत 3 कैटेगरी रखी गई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन के अंदर कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, एंड फैट के अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड में भी 2 डिवीजन है, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स। विटामिन्स की 2 कैटेगरी होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, सबसे पहले बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो बेस्ट फ्यूल, प्रोवाइड एनर्जी क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड, मतलब एनर्जी मिलती है। 2 टाइप्स, एक सिंपल शुगर ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड की बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, जैसे फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स एंड बेरीज। सुक्रोज की बात करें, डाइसैकेराइड होता है, कहाँ पाया जाता है, ग्लैंडुलेटेड शुगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में।
फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो स्टार्चेस फ्रॉम फ्लोर पास्ता पोटैटो स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एनर्जी। हेल्दी टर्म बेबीज ग्रो वेल विद इनटेक ऑफ 90 टू 120 कैलोरी किलो कैलोरी पर केजी एंड 125 टू 140 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब जहां पर बोला गया है कि हेल्दी टर्म बेबी को ग्रो करने के लिए 90 से लेके 140 किलो कैलोरी तक की जरूरत पड़ती है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय प्री टर्म इन्फेंट इज 15 ग्राम पर किलो कैलोरी एंड कंडीशन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्लूड सीएलडी स्टेरॉइड थेरेपी एंड इन्फेक्शन एटसेट्रा। अब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। 20 प्रकार के एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और नॉन एसेंशियल 11 होते हैं। 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी लिंक टुगेदर टू फॉर्म 11 जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो कहाँ बनते हैं हमारे बॉडी में और जो 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमें ऑब्टेन करना पड़ता है फूड से। कंप्लीट प्रोटीन सप्लाइज ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनकम्प्लीट प्रोटीन में लैक सम अमाइनो एसिड बट दीज कैन इजिली ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हम प्रोटीन के सोर्सेज तो बहुत होते हैं लेकिन अगर कंप्लीट प्रोटीन की बात करें तो हर वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड में मिल जाएगा लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करें तो कुछ ना कुछ तो लैक करेगा ही। फ्यू अमेरिकन्स सफर फ्रॉम प्रोटीन्स। प्रोटीन रिकमेंडेटेड अलाउंस 15-20% ऑफ डेली कैलोरीज। इफ एनर्जी इनटेक इज लो डाइटरी प्रोटीन कैन नॉट बी यूटिलाइज फुल्ली फॉर टिश्यू सिंथेसिस हेंस एजोडीमिया कैन अकर। यानी अबाउट 15-20% हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की और यदि इतना प्रोटीन हमारे टिश्यू को डेली नहीं मिलता तो एजोटीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। टर्म इन्फेंट के लिए 2.2 ग्राम पर केजी और वेरी लो वेट बर्थ वेट के इन्फेंट्स के लिए 3 टू 3.5 ग्राम पर केजी और उससे भी कम यानी बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब मतलब है जिसमें बर्थ बेबी का बर्थ वेट जो है बहुत ही ज्यादा कम है तो उसमें हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की 3.6 से लेकर 3.8 ग्राम पर केजी। फैट्स की बात करेंगे हम ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स मिसअंडरस्टूड बट वाइटल ग्रुप ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट। हम इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं लेकिन ये एक वाइटल ग्रुप ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट होता है। मेनली हेल्दी हमारी मेंटेन करता है हमारे हेल्दी स्किन को इंसुलेट बॉडी ऑर्गन्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है प्रमोट हेल्दी सेल फंक्शन हमारे सेल फंक्शन को प्रमोट करता है तो अच्छे से काम कर सके और कैरी फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ए डी ई के इसे हम कड़ी से भी याद कर सकते हैं के ए डी ई आर अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है ग्रुप के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन फैट कैल्शियम आयरन और जिंक की। तो इन्फेंट्स अबाउट 0 टू 12 मंथ्स यदि हम देखा जाए जिनका बॉडी वेट 5.4 से लेकर 8.4 केजी तक है तो उनको नेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 92 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे टू 80 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे तक। फिर प्रोटीन 1.16 ग्राम पर किलो पर डे से 1.69 ग्राम पर केजी पर डे। देन फैट अबाउट 19 क्योंकि 6 टू 12 मंथ्स के बच्चों में ही लगता है। कैल्शियम 500 मिलीग्राम पर डे और आयरन होता है 46 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर डे। चिल्ड्रन में 1 से लेके 9 ईयर एज तक का भी डाटा दिया हुआ है और बॉयज एंड गर्ल्स में ये डाटा दिया हुआ है जो कि आप यहां से देख सकते हैं। वाटर की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अगर वाटर की कमी होती है या बॉडी फ्लूइड्स की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हम क्या टर्म यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड नेसेसरी इज वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइट और पीएच बैलेंस में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपोर्टिंग सेल्स एंड दैट इज 2 ounces रिकमेंडेड अमाउंट 8 glasses पर डे। कितनी नेसेसिटी होती है 8 glasses पर डे दैट इज 50-60% इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम एंड आयरन एक्सेट्रा।
प्रीटर्म इन्फेंट में डेली रिकमेंडेड जो होती है मिनरल्स की, सोडियम पोटेशियम की 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, कैल्शियम की 210 मिलीग्राम पर केजी पर डे, फॉस्फोरस 140 मिलीग्राम पर केजी पर डे और मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। चलिए अब हम कुछ खनिज लवणों की बात करने वाले हैं, कुछ समान आवश्यकताएं हमारे जो बॉडी में जरूरत पड़ती है। अगर पोटेशियम की बात करें तो 1.5 मिली इक्विवेलेंट, अगर हम सोडियम की बात करें 2 मिली इक्विवेलेंट, जिंक की बात करें 0.3 अधिकतम मिली पर ग्राम मिली पर केजी, आयोडीन की बात करें 0.2 मिलीग्राम, तांबा की बात करें 0.05 से 0.1 मिलीग्राम मिली किलोग्राम, फिर फ्लोरीन की बात करेंगे 0.5 टू 1 मिलीग्राम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो नवजात शिशु में 40 से 70 मिलीग्राम, 1 से 3 वर्ष के लिए 100 से 150 मिलीग्राम, 3 से 12 वर्ष के लिए 200 से 300 मिलीग्राम और 12 से ऊपर 350 मिलीग्राम। जीवित की बात करें मतलब विटामिन की बात करेंगे तो दैनिक आवश्यकता विटामिन ए 1500 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट, B1 की 0.5 से 1.5 mg, B2 की 0.5 से 2.5 mg और नियासिन की 224 mg। जीवती अर्थात विटामिन B6 की बात करें 0.4 टू 1.4 मिलीग्राम, B12 1 टू 1.5 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड 25 टू 100 माइक्रोग्राम, C की बात करेंगे 30 टू 50 मिलीग्राम, D की बात करेंगे 400 इंटरनेशनल यूनिट और E की बात करेंगे 4 से 5 इंटरनेशनल यूनिट। जगत के संपूर्ण भोज्य पदार्थों का इन्हीं पांच में विभाजन किया गया है, यानी कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, इन सब में ही पूरे भोज्य पदार्थों का समावेश किया गया है और इसे यदि हम एक निश्चित या बैलेंस्ड कंडीशन में लेते हैं तो उसे ही हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड एंड एट टेकन इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। डॉक्टर का मानना है कि लगभग 50 से 55 किलो की एक सामान्य महिला को रोजाना 1900 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला को रोजाना 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से तत्व की किस मात्रा में जरूरत होती है, इस बात को समझने के लिए नीचे दिए हुए चार्ट को देखें। पोषक तत्व, प्रोटीन की मात्रा जो सामान्य महिला को होती है 50 ग्राम, प्रेग्नेंट महिला को 65 ग्राम रोज लगेगी। आयरन की 30 मिलीग्राम सामान्य महिला को, 40 मिलीग्राम प्रेग्नेंट महिला को। आयोडीन की 100 से 200 माइक्रोग्राम रोज सामान्य महिला को और प्लस 25 माइक्रोग्राम रोजाना प्रेग्नेंट महिला को। कैल्शियम 400 मिलीग्राम रोजाना सामान्य महिला को और 1000 मिलीग्राम प्रेग्नेंट महिला को। फॉलिक एसिड 100 मिलीग्राम रोज सामान्य महिला को, 100 माइक्रोग्राम रोज सामान्य महिला को और 400 माइक्रोग्राम प्रेग्नेंट महिला को। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल गाइडेंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। आचार्य काश्यप ने कहे हैं कि गर्भावस्था काल से ही गर्भिणी जो भी अन्नपान को ग्रहण करती है उसके तीन भाग होते हैं, पहला माता के पोषण के लिए, दूसरा स्तन्य निर्माण के लिए और तीसरा गर्भ के पोषण के लिए। आचार्य सुश्रुत ने भी जात कर्म का वर्णन किया है, यानी नवजात शिशु में सर्वप्रथम जो भी पोषण करवाया जाता है, जो भी उसको खिलाया जाता है उसे हम जातकर्म कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने मधुघृत को अभिमंत्रित कर प्रथम दिन चटाकर दक्षिण स्तन से स्तन्यपान कराने का निर्देश किया है। IYCF गाइडलाइन, IYCF स्टैंड फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, प्रैक्टिस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए, बर्थ से लेकर के 6 मंथ ऑफ एज तक, एंड इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फूड एट 6 मंथ ऑफ एज वाइल कंटिन्यूइंग टू ब्रेस्ट फीड, और साथ ही साथ 6 महीने के बाद आप उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी दीजिए। कंटिन्यू फ्रीक्वेंट ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल 2 ईयर ऑफ एज और बियॉन्ड। कंटिन्यू आप उसे डिमांड पे, अगर बच्चे के डिमांड पे आप 2 साल तक उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना है, नहीं तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से उसका पोषकता कम होगी। प्रैक्टिस रिस्पॉन्स फीडिंग, जैसा बच्चा चाहे, अगर बच्चा फीड कर रहा है 6 महीने के बाद फीड करना चाहेगा तो कराइए, नहीं चाहता तो मत कराइए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड प्रॉपर फूड हैंडलिंग, बच्चे को जो आप भोजन करा रहे हैं वो एकदम हाइजीनिक होना चाहिए और आप अपना हाथ वॉश करके, क्योंकि उसको छोटे से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके पेट में जाएगा तो उसे दिक्कत आएगी।
स्टार्ट एट 6 मंथ ऑफ एज विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, धीरे धीरे फूड के अमाउंट को बढ़ाइए, ग्रेजुअली इंक्रीज द फूड कंसिस्टेंसी इन वेराइटी और उसे अलग, जैसे दाल खिलाइए, चावल खिलाइए, अलग अलग स्मश करके। इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द चाइल्ड इज फेड कॉम्प्लीमेंट्री फूड एज द चाइल्ड गेट ओल्डर, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसी उसी तरह उसी कॉम्प्लीमेंट्री फूड के भी टाइम्स बढ़ाइए। फीड ए वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड, तो उसे जैसे वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियन फूड्स दीजिए, फ्रूट दीजिए एक्सेट्रा। यूज फोर्टिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स लाइक जैसे विटामिन मिनरल सप्लीमेंट, और ड्यूरिंग इलनेस अगर वो इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इंक्रीज उसकी फ्लूड की इंटेक बढ़ाइए, उससे क्या होगा उसकी इलनेस कम होगी। मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान रखिए, और आफ्टर इलनेस इनकरेज द चाइल्ड टू ईट मोर, और जब वो ठीक हो जाए उसका उसे भोजन ज्यादा कराइए। नेक्स्ट है टोडलर्स और प्री स्कूलर्स यानी 1 to 6 ईयर के चिल्ड्रन के लिए। सेवरल डेवलपमेंट चेंजेस इन ब्रेन बॉडी एंड ऑर्गन अकर एट दिस टाइम। बेस्ट टाइम फॉर विजुअल डेवलपमेंट। विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट और स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। न्यूट्रिशन गाइडलाइन क्या दी हुई है? इंट्रोड्यूस न्यू फूड एट रेगुलर इंटरवल टू इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू फूड, यानी बेबी को समय समय पर नई नई सब्जियां इंट्रोड्यूस करवाइए या नए नए सीरियल ग्रेन्स, ताकि उसकी ईटिंग हैबिट या फिर वो सब फूड को एक्सेप्ट कर सके। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फूड यूजिंग द फूड गाइड पिरामिड फॉर चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर, इट इज अ ग्रोथ स्पर्ट टाइम वेयर न्यूट्रिशन नीड्स आर हाई बट फेयरली स्मॉल एपेटाइट। स्कूल यही समय होता है स्कूल जाने वाले बच्चों का कि न्यूट्रिशन नीड उन्हें ज्यादा होती, लेकिन उनका जो फेयरली वो भूख उन्हें कम लगती है, तो वो भोजन भी कम खाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, गुड डेवलपमेंट फॉर कंजनेटिव स्किल, बोन मिनरलाइजेशन एंड लाइफ लॉन्ग ईटिंग पैटर्न। तो हमारे बोन को मजबूती के लिए, क्योंकि 6 to 12 ईयर हड्डियों का विकास होता है, और साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग ईटिंग, और यही भोजन का तरीका जो हम अपनाएंगे वही आगे भी अपनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया, Over 50% of apparently healthy looking children have subclinical or biochemical deficiencies of vitamin A. ज्यादातर जो देखी गई है 50% disease जो बच्चों में देखी जा रही है वो deficiency of vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, folate and vitamin C. Food choices largely depend on lot of family food choices, peers, group, media. जो food की choices होती है वो peer groups यानी friend zones, media जो media में देखते हैं, artist लोग के द्वारा, family और food choices. बेस फॉर गुड हेल्थ एंड वेट कंट्रोल, और हमारे वेट कंट्रोल के लिए भी गुड हेल्थ बेस का काम करता है। न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर एडोलेसेंट्स यानी यंग बच्चों के लिए क्या क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो वहां पर जो डाइट होनी चाहिए उसमें बहुत फ्रीक्वेंट अमाउंट में वैरायटी होनी चाहिए। टीच एडिक्वेट पोर्शन साइज ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। चूजिंग द डाइट विद प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, डाइट में ग्रेन्स, वेजिटेबल, पल्सेस और डेयरी प्रोडक्ट्स की वैरायटीज होनी चाहिए। लो सॉल्ट डाइट, शुगर एंड फैट चूज करना है। प्रोवाइड विद रेडीली अवेलेबल हेल्दी फूड चॉइसेस इवन वाइल ईटिंग आउटसाइड फूड, यानी बाहर भी यदि बच्चे खाना खा रहे हैं या कुछ चीज खा रहे हैं तो उसमें से भी उनकी चॉइस होनी चाहिए कि हेल्दी फूड को ही प्रेफर करें। इन्वॉल्व द एडोलेसेंट इन मेकिंग गुड चॉइसेस एज वेल एज प्रिपरेशन ऑन हेल्दी फूड। अब ये कुछ भोजन सामग्री दी गई है, तो उसमें कितनी कैलोरी होती है और कितनी मात्रा में लेते हैं इसका वर्णन है। ये भी देख सकते हैं आप, खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो कैसे समझेंगे किसी बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी है? तो सबसे पहले उसका हेयर, टीथ, स्किन, ये देखने से हमें समझ आएगा कि उसकी हेयर ग्रोथ कैसी हो रही है, टीथ कैसा है, स्किन कैसा है, उसकी हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, वेस्ट टू हिप रेशियो कैसा है, उसकी ओबेसिटी है तो नहीं, और प्री एल्बुमिन, लिपिड और ग्लूकोज लेवल्स कैसे। नेक्स्ट हाइट एंड वेट चार्ट दिया हुआ है किड्स के लिए, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि बेबी की न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ कैसी है। तो आप यहां से बॉयज एंड गर्ल्स में मेजर कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फॉर रेगुलर यूज, तो रेगुलर यूज के लिए आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है, शाली एंड साठी चावल यानी राइस, मूंग, सैंधव, अम्ल, दुग्ध, घृत, मधु और जांगल मास। और क्या हमको रेगुलर यूज नहीं करना है? दही, माश यानी ब्लैक ग्राम, मत्स्य यानी फिश, पनीर, चीज एक्सेट्रा, और लवण, पिपली और शार। आइडियल न्यूट्रिशनल स्टेट ओवर द टाइम व्हेन इंडिविजुअल कंज्यूम हित आहार और आइडियल फूड एंड व्हेन इट प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय बॉडी, वन शुड अचीव शारीर धातु
पुष्टि यानी दोष धातु, उपधातु और मल। मतलब अगर हम हित आहार आइडियल फूड लेते हैं तो उससे हमारे कहाँ कहाँ पोषण होगा, हमारे शरीर की धातु की पुष्टि होगी, दोष की पुष्टि होगी, धातु की पुष्टि होगी, उपधातु की पुष्टि होगी और फिर मल जितना क्वांटिटी में होना चाहिए उतना होगा। आइडियल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बल उत्साह मतलब बल कितना बॉडी में कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी, तो वो उतना ही मेंटेन रहेगा अगर हम हित आहार लेते हैं तो। आइडियल न्यूट्रिशनल स्टेट, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक बच्चे की स्टेट न्यूट्रिशनल स्टेट सही है? तो धातु सारता यानी आइडियल बॉडी इंस्टीट्यूशन, बल यानी फिजिकल कॉम्पिटेंसी, वर्ण आइडियल कॉम्प्लेक्शन, ओज यानी डिसीज फ्री स्टेट और उत्साह मीन्स फिजिकल एंड मेंटल ड्राइव। आयुष इन पोषण, तो आयुष क्या कर रहा? पुअर न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट 1000 डेज आफ्टर बर्थ लीड्स टू स्टंट ग्रोथ लीडिंग टू एन इंटीग्रेशन साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन। पोषण अभियान, अब इसको लेकर के पोषण अभियान आयुष ने चलाया है जिसमें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इज द प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट एंड वॉज लॉन्च बाय हिम। मतलब प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान स्टार्ट किया। आयुष बेस्ड न्यूट्रिशन सोल्यूशन इन विलेज लेवल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2017। तो आयुष ने न्यूट्रिशन सोल्यूशन को लेकर के 2017 में ही चालू कर रखा। Thank you so much. Stay connected with our digital library for more videos.